केमिकल सुपर है, 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि कल की जो तेजी थी केमिकल कंपनियों की, कुछ चुनिंदा कंपनियों में आज नजर भी आ रही है। जैसे कि टाटा केमिकल्स पर अगर बात करें तो 1,080 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। क्या करें रुचित, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको टाटा केमिकल्स पर? काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जो रिसेंट लोस थे 930 के आसपास, अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 2 से 3 बार ये स्टॉक 930 940 के आसपास आके वहां पे सपोर्ट बेस बनाया। और अच्छी बात ये कि जो प्राइस अप मूव उसके बाद आए हैं लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में, वॉल्यूम्स काफी बेहतर हुए प्राइस अप मूव में। तो जनरली ये ट्रेंड जो बनता है वो इंडिकेशन रहता है कि शायद स्टॉक ये बॉटम आउट कर चुका है और यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में 1140 के आसपास के टारगेट जो प्रीवियस आए थे वो बन सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, पोजिशन से तो होल्ड करें। छोटे मोटे डिक्लाइंस अगर स्टॉक में मिल जाते हैं तो 1040 1020 सपोर्ट रेंज रहेगा जहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा केमिकल्स पर। चलिए बात करें अब आपसे रुचित, कुछ फाइनेंशियल स्पेस पर राय लेना चाहेंगे। अभी हम पिछले कुछ समय से जो देख रहे हैं आरबीआई की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कल जेएम फाइनेंशियल्स, कल आईएफए फाइनेंस पे लिया था स्टॉक, आज भी टूट रहा है, उबर नहीं पा रहा उस चीज़ से। और अब जेएम फाइनेंशियल्स का भी नंबर आया है। जेएम फाइनेंशियल्स पर भी हम देख रहे हैं कि करीब 14-15% की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है आरबीआई के प्रतिबंध लगने के बाद। तो यहाँ पर जो गिरावट आ रही है, इसमें ट्रेडर्स क्या करें? तो स्पेसिफिक IIFL फाइनेंस पे तो राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे ग्रुप कंपनी है। सो नो कंप्लायंस के हिसाब से आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन दैट। बट नो ओवरऑल आई थिंक NBFC स्पेस में देखे तो दूसरे जो स्टॉक्स है जिनमें हम देख रहे हैं कि आज काफी सारे जैसे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स हो गए, सो काफी सारे हम NBFC स्टॉक्स में आज करेक्टिव एक्शन देख रहे हैं। हालांकि ये मोर एक नो पुल बैक मूव विद इन अप ट्रेंड रह सकता है क्योंकि मेजर नो कुछ कुछ स्टॉक्स में देखे तो जो मेजर मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है वो अब तक इंटैक्ट है और स्टॉक्स में काफी एक अच्छा मूव पिछले कुछ महीनों में भी आया भी था। सो आई थिंक ये जस्ट एक करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड है, बट बाकी ऐसे कुछ मेजर सेल ऑफ नो ज्यादातर नो NBFC स्टॉक्स में नहीं लग रहे। चुनिंदा स्टॉक्स में जहाँ पे न्यूज बेस्ड मूव है वहां पे आई थिंक नो इतनी फिलहाल कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे पॉजिटिव। बट लेकिन यस नो जो दूसरे जो स्टॉक्स है जिनमें न्यूज नहीं है और एक अच्छे करेक्शंस आ रहे हैं तो वहां पे लोअर लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं।